हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल देन मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये वाली सीट मास्क, सॉरी ये उल्टी है, ये जो सीट मास्क है ये कैसे अप्लाई करते हैं फेस पे, और ये मैं पहली बार यूज करने वाली हूँ इससे, और भी कौन कौन से स्टेप ये सीट मास्क अप्लाई करने से पहले हमें करना चाहिए, तो डिटेल में इनके बारे में सब कुछ आप जान पाएंगे इस वीडियो में। सो मेक श्योर एंड तक देखना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल ही मुफ्त है और मुफ्त की चीजें लेना हमारी फर्ज है। सो फर्दर एनी डू, लेट्स जंप इन द वीडियो। मेरा जो फेस आप देख पा रहे हैं बहुत ही डल और बहुत ही अनहेल्दी सा नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने जस्ट फेस वॉश और कुछ भी नहीं अप्लाई किया है। तो इसे अप्लाई करने से पहले हमें फेस वॉश करना है। अगर आप टीनेजर हो, मेरा जो फेस आप देख पा रहे हैं बहुत ही डल और बहुत ही अनहेल्दी सा नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने जस्ट फेस वॉश और कुछ भी नहीं अप्लाई किया है। तो इसे अप्लाई करने से पहले हमें फेस वॉश करना है। अगर आप टीनेजर हो तो माइल्ड स्क्रबिंग की जरूरत किसी किसी को होती है, तो उसके लिए क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो शुगर है उसे क्रश करिए और उसके साथ हनी या तो फिर जो आपकी योगर्ट है उसको मिक्स करके फिर आप आपकी स्किन पे उसके हिसाब से स्क्रब कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप हनी से कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप योगर्ट से कर सकते हैं। बस माइल्ड स्क्रबिंग कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन को स्क्रबिंग की जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जिस फेस वॉश में कंफर्टेबल हो, जो फेस वॉश आप यूज करते हो उसी फेस वॉश से आपकी जो फेस है उसको क्लीन कर लीजिए एंड देन अप्लाई एनी काइंड ऑफ सीट मास्क। मैं ये वाली जो गार्नियर की ये है सीरम मास्क विद सकुरा व्हाइट, और इसकी डिटेल्स मैं लगाने की वक्त बता दूंगी, तो मैं ये अप्लाई करने वाली हूँ। और मुझे स्क्रबिंग करना पसंद है, लाइक हफ्ते में दो बार तो करना पड़ता ही है, नहीं तो मुझे ना जो स्किन है वो थोड़ा सा वेटी वेटी फील होती है, तो मैं यहाँ पे स्क्रब करने वाली हूँ। और स्क्रबिंग के लिए यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये है बायोटिक की बायो पापाया रिवाइटलाइजेशन टैन रिमूवल स्क्रब फॉर ऑल स्किन टाइप। अगर आप टीनेजर में से नहीं हो, अगर आप मेरे एज के हो तो आप ये वाली जो स्क्रबर है ये यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा जो है इसकी जो पार्टिकल्स है ये लाइक परफेक्ट गोल पार्टिकल नहीं है, जरूर ये वाला यूज कर सकते हैं क्योंकि ये टैन रिमूवल के लिए बहुत अच्छा है। तो ये अप्लाई करने से पहले हमें अपना जो फेस है उसको वॉश करना है, और मैं फेस वॉश के लिए यूज करने वाली हूँ ये है गुड वाइब्स का रोजमेरी हाइड्रेटिंग फेस वॉश। और ये वाला जो फेस वॉश है ना बहुत अच्छा फेस वॉश है, लाइक जिसकी ड्राई स्किन है, डल स्किन है, वो अगर ये वाला फेस वॉश यूज करते हैं तो आई प्रॉमिस यू आप कभी भी इस फेस वॉश को छोड़ेंगे नहीं, लाइक इतना अच्छा फेस वॉश है। और इसका जो फ्रेग्रेंस है ये ना मिंट मिंट टाइप के फ्रेग्रेंस आते हैं, मिंट और लौंग को मिला के जो फ्रेग्रेंस बन सकता है वैसी तरीके से इसका फ्रेग्रेंस है, बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है। एंड इसका जो टेक्सचर ये जेल बेस्ड टेक्सचर है, मैं अगर आपको एक पंप लेके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर जो जेली जेली टाइप का, एक थिक जेल टाइप का टेक्सचर है और ये फोम में नहीं बदल रही। और इसका जो प्राइस दिया हुआ है ये है 250 रुपीज, एंड इसका जो क्वांटिटी है ये 200 ml, तो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा खासा ये जो है आपको क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और वैसे भी पर्पल पे हमेशा ही कुछ ना कुछ ऑफर रहती है। मैं ये वाली जो फेस वॉश है ये लाइक 210 पे लिया था, 210 रुपी, तो आपको भी किसी ना किसी ऑफर मिल जाएगी। और वाली फेस वॉश से अपने फेस को पहले वॉश करके आती हूँ। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, और फेस वॉश करने के पहले या फेस वॉश करने के बाद मैं कोई भी फिल्टर नहीं यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। और ये वाली फेस वॉश की जो खासियत है, जो हाइड्रेटिंग वाला इसका पार्टिकल्स है, टच वुड, ये आपकी स्किन को ड्राई फील नहीं करवाएगी, मतलब कि आपकी स्किन पे ऑयल भी नहीं रहेगी और आपको ड्राई भी फील नहीं होगी। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बैलेंसिंग एक प्रोडक्ट है। मुझे बहुत पसंद आया ये वाला जो फेस वॉश है, तो मैं मेरे स्किन को पहले टॉवल के साथ पोंछ लेती हूँ।
ओके, तो मैं मेरे स्किन को हल्के से पोंछ लिया है एंड इसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये वाली जो पपाया वाला स्क्रबर है, ये अप्लाई करने वाली हूँ। और इसका मैं वेट और प्राइस बताना भूल गई थी। और इसका जो क्वांटिटी है 100 ग्राम्स की है एंड इसको इसका जो प्राइस है ये है 140 रुपी। तो बस इसे मैं अप्लाई करने वाली हूँ और ये अंदर से कुछ ऐसे ही नजर आते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो पार्टिकल्स है कैसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी पार्टिकल्स कैसी है। तो बस मैं इसे अप्लाई कर लूंगी अपनी इस जगह पे, ज्यादा करके यहाँ पे एंड ये नोज के ऊपर, जिस जिस एरिया को आपको लगता है कि स्क्रब करना जरूरत है आप उस एरिया को अच्छी तरीके से स्क्रब कर लीजिए। वाटर से हाथ को भिगा लूंगी ऐसे एंड देन अप्लाई। आपकी टॉवल को भिगा के उससे भी आपकी फेस को साफ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टॉवल से नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं अगर टॉवल से ये करूंगी तो मुझे ये टॉवल साफ करना होगा। तो मैं सिंपली मेरी फेस को वॉश करके देन वापस आती हूँ। सो देन वेट फॉर मी। ओके, तो मैं जो है यहाँ पे स्क्रब करके आ चुकी हूँ। मैं यहाँ पे आप यूज करने वाली हूँ ये वाली सीट मास्क। आप कोई भी सीट मास्क यूज कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस अप्लाई कैसे करना है वो आपको दिखा रहा हूँ। वो तो यहाँ पे आपकी जो पैकिंग है इस पे आपको सारा जो चीजें है दिया हुआ वो आपको नजर आ रहा होगा कि ये है गार्नियर स्किन नेचुरल सीरम मास्क सकुरा व्हाइट एंड ये आपको 15 मिनट तक आपकी जो फेस है उस पे रहना, आपकी फेस पे रखना है एंड और इसका सुपर हाइड्रेटिंग पिंक ग्लो टिश्यू मास्क एंड जापानीज सकुरा एंड हाइलुरोनिक एसिड, जापानीज सकुरा एंड हाइलुरोनिक एसिड इस पर है। और डार्क स्किन लैक ऑफ ग्लो, तो इसको वो अच्छी तरीके से ठीक कर देगी। एंड इसका जो प्राइस है वो 99 रुपी है एंड इसका जो इंग्रेडिएंट जो सीरम इस पे दिया हुआ है वो 32 ग्राम्स है और बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी आपको मिल रहा है। 32 ग्राम सीरम एक फेस सीट में बहुत अच्छी है एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि ये कैसे यूज करना है, आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ है एंड बस यही सब है। इसका इंग्रेडिएंट भी मैं आपको यहाँ पे जो है बता चुकी हूँ, इसका प्राइस मैं बोल दिया हूँ, इसका जो वेट है मैं वो भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, जो सारी डिटेल्स आपको बतानी थी मैं वो शेयर कर चुकी हूँ एंड अब इससे मैं अप्लाई करने वाली हूँ। सो यहाँ पे आपको जो कट छोटा सा दिया हुआ है आप देख सकते हैं इधर वाला, तो इससे आपको ऐसे जस्ट ऐसे आपको काटना है कि ये जो छोटे छोटे प्लास्टिक्स होते हैं ये रिसाइकिल नहीं होती है, तो वन पीस इसे रहने दो, अगर होते हैं तो क्यों खराब करना इसे। तो मैं पहले नहीं निकल के आपको अंदर से दिखा देती हूँ कि ये कैसे है, देख सकते हैं कितना सारा सीरम इसमें है और एक रोजी रोजी सा स्मेल आ रहा है इससे, लाइक रियल जो रोज का एक फ्रेग्रेंस है, माइल्ड स्वीट एक फ्रेग्रेंस होती है वो वाली फ्रेग्रेंस इससे आ रहा है एंड मैं इसे अब निकल लेती हूँ एंड आप देख सकते हैं कितना सारा इस पे सिरप दिया, सॉरी सिरप नहीं सीरम दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे ओपन करना है, और मेरा जो फेस है वो राउंड है तो उसकी वजह से मुझे जो है ये नोज की तरफ प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरा नोज जो है वो बहुत एक छोटू सा नोज है और अब देख पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये मुझे लगता नहीं। इसे साइड से किसी भी साइड से अब इसको पकड़ो एंड ऐसा नहीं कि पूरा ही उखाड़ दो, तो बस इसके ऊपर
ऊपर वाली जो लेयर है इसको हटा दो, इसका काम खत्म, ये यहाँ पे रहने दो। एंड अब ये वाली जो शीट मास्क आपको आपके फेस पे मिलेगी, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो आप किसी भी एंगल से इसको आपके फेस पे जो है प्लेस कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो बस आपके फेस जो है उस अच्छी तरीके से सेट कर लो, एंड देन गाइज मेरे ये जो फेस पे लगाया है ये लगा के मुझे 15 मिनट हो चुका है। सो मैं अब इस फेस मास्क को अपनी फेस से उतारने वाली हूँ एंड देखते हैं रिजल्ट कैसे आया है। सो लेट्स डू इट। एक सस्पेंस म्यूजिक होता तो अच्छा होता ना, लाइक ऐसे उतर रहा है। मैं यहाँ पे जिस लाइट पे ये शूट कर रही हूँ कोई रिंग लाइट नहीं है, बस जो सन की नेचुरल लाइट है उस पे ही मैं शूट कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना हुआ है। मैं जब पहले आई थी उसी उसका एक पिक्चर मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, आप देख लेना दोनों में कितना डिफरेंस। और मेरा जो फेस है वो मैं जब ये लगाई जब अप्लाई कर रही थी तो मुझे बहुत ही ठंडा ठंडा सा लग रहा था, बहुत ही लाइक काम और बहुत ही मज़ा आ रहा था अप्लाई करने के बाद, बहुत आराम मिल रहा था इससे। और मेरे जो स्किन है वो बहुत ही प्लम्पी लग रहा है, बहुत हेल्दी लुक आ रहा है स्किन। सो या गाइस, और मैं ये जो फेस है इसको आप जस्ट नॉर्मल वाटर के साथ मैं इसको वॉश कर लूँगी, कोई फेस वॉश नहीं है यूज़ करूँगी, जस्ट नॉर्मल वाटर और उससे मैं फेस को वॉश करके देन सोक कर लूँगी। सो और कुछ दिखाने तो नहीं है। सो या अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प किया है एंड अगर आप को मैं अच्छी लगी हूँ, मेरा ये चैनल मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करके जाइएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल एंड टेक केयर, बाय एंड स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, बाय गाइज़।